साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश खिचड़ी में आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम जो आपकी टेट की जो परीक्षा चल रही हैं उनमें से 10 साल पुराने, जो भी 10 साल पुराने यानी 10 ईयर पुराने क्वेश्चन पेपर उठाए गए हैं इस वीडियो में। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 10 साल पुराने यानी 2001 से लेकर, सॉरी 2010 से लेकर जो 2020 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं टेट की परीक्षाओं में, सभी आज जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं सभी क्वेश्चनों को अलग से अलग नेक्स्ट बाय नेक्स्ट वीडियो में हम सभी क्वेश्चनों को करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है इसमें, निम्नलिखित में से किसे औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है? नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। औरंगाबाद शहर का संस्थापक किसे माना जाता है? चार ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा? साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसे माना जाता है? मलिक अंबर को। मलिक अंबर को औरंगाबाद का संस्थापक माना जाता है। मलिक अंबर इथोपिया का रहने वाला था, इसे गुलाम बनाकर भारत लाया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो में पूछा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। साथियों, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य इसका आपका हो जाएगा सिक्किम। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी आंसर हो जाएगा इसका, यानी सिक्किम। सिक्किम और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा भारत में? यह है आपका उत्तर प्रदेश। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर तीन में पूछा है, 1336 में हर हर बुक्का ने निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की स्थापना की थी? ये नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से राइट आंसर क्या होगा? इसमें पूछा गया है, हरे हरे बुक्का ने किस शहर की स्थापना की? हरे हरे बुक्का ने निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की स्थापना की? साम्राज्य पूछा है। साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विजयनगर की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, किसकी? विजयनगर। विजयनगर की स्थापना की, जिसकी राजधानी इन्होंने हम्पी को बनाया। किसको? हम्पी। क्या थी ये? राजधानी थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार में पूछा है, 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी इसमें 9वीं शताब्दी में। साथियों, क्वेश्चन नंबर चौथे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी धर्मपाल ने। किसने की थी? धर्म पाल ने। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इससे हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाते रहें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर पाँच। क्वेश्चन नंबर पाँच में पूछा है, थानेश्वर से शासन करने वाले पुष्यभूति खालिस्तान वंश के संस्थापक थे? ये
ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से राइट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वर्धन वंश। ऑप्शन नंबर पी क्या हो जाएगा, वर्धन वंश। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का संस्थापक था। मौर्य वंश का संस्थापक पूछा है साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन था, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त साथियों, यह वही चंद्रगुप्त है जिसने धनानंद के साथ युद्ध लड़ा था, और इनके सेनापति थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति थे चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने पूर्व से लेकर साम्राज्य पूर्व में है, इन्होंने मगध का शासन को जीता था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा है, उस्ताद आमिर खान निम्नलिखित में से किस घराने से सम्मानित हैं। उस्ताद आमिर खान निम्नलिखित में से किस घराने से सम्मानित हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इंदौर घराने, इससे इंदौर घराना, किससे संबंधित हैं, इंदौर घराने से। यह भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रमुख घरानों में से हैं। कौन थे, ये एक संगीत शास्त्रीय थे, संगीत शास्त्री थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कथक नृत्य प्रतिपादन विरजू महाराज निम्नलिखित में से किस घराने से सम्मानित हैं। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लखनऊ घराना। किससे संबंधित हैं, लखनऊ घराना से संबंधित हैं। वे शास्त्रीय कथक नृत्य के लखनऊ कालिका विराधीन घराना से संबंधित हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के एक खालिस्तान खिलाड़ी थे। नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, ये किसके खिलाड़ी थे। पंडित इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तबला की, इसके ये तबला बजाते थे साथ, तबला वादक थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा है, एक पंचवर्षीय योजना में खालिस्तान मॉडल का पालन किया गया था। साथियों इनमें से सही आंसर क्या होगा। साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी हेरोड डोमर मॉडल का प्रयोग किया गया था। यह योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू, किसने चलाई थी, ये प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह योजना चलाई थी। यह योजना हेरोड डोमर पर आधारित थी।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 11 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सातवाहन वंश का संस्थापक था। नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी सिमुक। सात वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। जो सातवाहन वंश की स्थापना हुई थी, ये हुई थी आपकी 230 ईसा पूर्व से 60 ईसा पूर्व, जिसने जो सातवाहन वंश की स्थापना सिम्मुक ने की थी। अब यह कहाँ पर है? यह अब है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ पर? औरंगाबाद। औरंगाबाद में है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 12 में पूछा है बड़े गुलाम अली खान किस घराने के एक प्रमुख गायक थे। नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पटियाला घराने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पटियाला घराने। पहले इसे कसूर का घराना कहा जाता था, इसे बाद में पटियाला घराना कहा गया। इसे बाद में पटियाला घराना में विलय हो गया। किसमें पहले क्या कहा जाता है? इसे कसूर घराना, और ये विलय होकर किसमें? पटियाला घराने में विलय हो गया, यानी बदल गया, परिवर्तित हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान खालिस्तान घराने के संस्थापक थे। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी किससे? खालिस्तान की जगह पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी किराना घराना। किराना घराना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाफिज अली खान बंगस घराने के एक भारतीय खालिस्तान खिलाड़ी थे। बंगस नहीं होगा यहां पर, बंसज होगा। क्या होगा? बंसज। इसे सही कर लेना। साथ ही इसका सही आंसर क्या होगा, इसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन लेके आए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।